अधीर रंजन ने राष्ट्रपति वाले बयान पर संसद में आज भी हंगामे के आसार। सोनिया से माफी की मांग पर अड़ी बीजेपी। टीचर्स भर्ती घोटाला, टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को ईडी ने पूछताछ के लिए फिर बुलाया। आज से चित्रकूट में शुरू होगा बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर। सीएम योगी समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। कोरोना और स्वाइन फ्लू के साथ ही मुंबई में अब हेपेटाइटिस ने बढ़ाई चिंता। पिछले दो महीनों में 119 नए मामले दर्ज। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। चित्रकूट में आज से बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम है। आज से 31 जुलाई तक प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम चलेगा। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। स्वतंत्र देव सिंह, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य भी शामिल होंगे। इसके अलावा 12 केंद्रीय मंत्री, यूपी के 13 कैबिनेट मंत्री प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर यह प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम हो रहा है और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। प्रशिक्षण शिविर एक अहम शिविर योजना है भारतीय जनता पार्टी की। वहीं इस शिविर में तमाम बड़े नेता और मंत्री पहुंचेंगे। बड़े चेहरे जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी इस प्रशिक्षण शिविर में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। तमाम उनके इस्तीफे की भी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इन सब को अटकलों को दरकिनार करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा था कि प्रशिक्षण शिविर में अध्यक्ष के तौर पर स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। वह इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, क्या है ये प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी का और कौन कौन बड़े चेहरे इसमें शिरकत कर रहे हैं? आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि चित्रकूट में किया गया है। चित्रकूट में बिंदी राम होटल के अंदर में इस शिविर का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। वही आपको बताएं कि 29 जुलाई से 31 जुलाई तक ये शिविर चलेगा और इसमें आपके प्रदेश भर के साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रियों के सम्मिलित होने की बात कही जा रही है। वही आपको बताएं कि सूबे के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री समेत जो 19 आपके कैबिनेट मंत्री हैं, उनके भी सम्मिलित होने की बात कही जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो लगभग दर्जनों कैबिनेट में जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के सदस्य हैं, वो भी इस ट्रेनिंग शिविर में शिरकत करेंगे। वही दूसरा आपको बताया कि इस शिविर का आयोजन 8 अध्याय में किया जा रहा है, यानी कि 8 सत्रों में किया जा रहा है। एक दिन में 8 सत्र टोटल चलेंगे। वही अगर बात की जाए तो इसमें प्रदेश भर के जो तमाम पदाधिकारी हैं, चाहे बात की जाए संगठन मंत्री सुनील बंसल भी इसमें मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ जो भाजपा के अलग अलग प्रकोष्ठ हैं उसके पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। वही आपको बताएं कि जिला यूपी के 75 जिलों के जो प्रभारी है, जिला प्रभारी, साथ ही साथ जो महामंत्री है, उनके भी शिरकत होने की बात कही जा रही है। वही आपको बताए कि इस पूरे शिविर का जो आयोजन है वो उसकी रूपरेखा जो अगर बात करें तो संगठन के मंत्री सुनील बंसल समेत जो बीएल संतोष है, साथ ही साथ मुरलीधर राय है, इनकी अगुवाई में पूरी शिविर चलेगी। और शिविर के दौरान अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी 2024 का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति को लेकर आप अपने में समन्वय बनाएगी। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के अनेकों जगह से, चाहे बात की जाए 75 जिलों से महामंत्री, मंडल अध्यक्ष एवं तमाम जो पदाधिकारी आ रहे हैं, उनके साथ समन्वय बनाकर और 2024 को साधने की तैयारी करेंगे। अगर बात की जाए 2024 को लेकर भारतीय जनता पूरी पार्टी पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है।
और वो अपनी तैयारियों में लग चुकी है और अभी से सर्वे का काम भी शुरू हो जाएगा। और इस बैठक में माना यह जा रहा है कि जो तमाम जगहों से लोग आएंगे उन्हें 24 को लेकर जो संगठन के लोग हैं उनकी तरफ से गुरु मंत्र दिए जाएंगे। और अगर देखें तो तैयारियों का अगर खास तौर पर देखें तो इस तैयारी का पूरा रूपरेखा सुनील बंसल की तरफ से तैयार किया गया। आपको बताएं कि 2019 चुनाव से ठीक पहले एक 5 दिन का शिविर रखा गया था और इस बार चुनाव से लगभग 2 साल पहले ही शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2024 को चुनाव को लेकर आश्वस्त कर देना चाहती है पार्टी के जो पदाधिकारी हैं कि आप अलर्ट मोड में रहे और पूरे सक्रियता के साथ 2024 के चुनाव में जुट जाए। जी मिश्रा, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विभांशु। लखनऊ में सीएम योगी ने देश की महामहिम राष्ट्रपति के प्रति कांग्रेस के सांसद की अभद्र टिप्पणी पर निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये टिप्पणी भारत के संविधान और मातृशक्ति का भी अपमान है, भारत की जनजाति समाज का भी अपमान है, राष्ट्रपति जी के साथ ही देश का भी एक तरह से अपमान है। मैं इस अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद और कांग्रेस की निंदा करता हूँ। सांसद को इस निंदनीय कृत्य के लिए उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपनी जवाबदेही से मुकर नहीं सकती। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति कांग्रेस के सांसद की अभद्र टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है। यह टिप्पणी भारत के संविधान का अपमान है, भारत की मातृशक्ति का भी अपमान है, भारत के जनजातीय समाज का भी अपमान है और भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान राष्ट्रपति जी के साथ ही देश का भी एक प्रकार से अपमान है। मैं इस अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद और कांग्रेस की निंदा करता हूं। अपने इस निंदनीय कृत्य के लिए उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। यह देश इस प्रकार के किसी भी अवांछनीय टिप्पणी को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी अपनी इस जवाबदेही से मुकर नहीं सकती। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र में एसडीएम इगलास सुश्री भावना सिंह ने शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने शराब के स्टॉक सेल रजिस्टर के साथ शराब के होलोग्राम और सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, जहां शराब दुकानों पर उन्हें खामियां मिली, जिसके बाद दुकान मालिक के खिलाफ नोटिस जारी किया है। सभी को जो है परखा गया है, उसमें उनके बारकोड वगैरह स्कैन करके उनके लाइसेंस वगैरह और इसके साथ साथ उनका जो है आईडी और सीसीटीवी कैमरे टीवी इन्हीं सब व्यवस्थाओं की जो है हम लोगों ने जांच की है और जिसका हमें जो है अनियमितता मिली है उसके खिलाफ नोटिस देकर जो है जुर्माने की। किसी 2 नंबर बियर वाले के या कोई लाइसेंस को लेकर आपने कोई निर्देश दिया, क्या है मामला? उसमें यही है कि उनको जो है टाइम दिया गया है, नोटिस दिया गया है और उसमें जो है उनको प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं प्रयागराज में लोक गायिका मंजू नारायण की प्राइम टीवी से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि रिमझिम की फुहार और पुरवैया की बयार सावन के महीनों की खुद बा खुद दस्तक देते थे, लेकिन अब मानसून रूठे रूठे से रहने लगे और लोगों की बदलती जीवन शैली ने सावन के एहसास को हमसे छीन लिया है। सावन का महीना आते ही गाँव में अब झूले दिखते न दिखते हैं और न ही गीत गूंजते हैं। सावन अब सूना सूना सा है। उमंग और मस्ती का महीना सावन की शुरुआत हो चुकी है। सावन में सावन की पहचान सावन के झूले और सावन के गीतों से हुआ करती है। सावन में सावन के गीतों की बात ना हो तो बात अधूरी सी लगती है।
जी हाँ, आज हम प्रयागराज की मशहूर लोक गायिका मंजू नारायण जी के पास हैं, जो कुछ सावन के गीतों से हमें रूबरू कराएंगी। आइए हम बात करते हैं मंजू जी से। मंजू जी, आपका प्राइम टीवी में स्वागत है। जिस तरीके से सावन का महीना चालू हो गया है, और किस तरीके का आप गीत हम प्राइम टीवी के दर्शकों के लिए प्रस्तुत करेंगी, और क्या कहना चाहिए? देखिए, सावन की शुरुआत हो गई और सावन चारों तरफ हरा हरा बहुत अच्छा लगता है, और हमारी बहनें, हमारी माई, सारे लोग हरे हरे कपड़े पहन के, हरी चूड़ियाँ पहन के मेहंदी लगाना, ये परंपरा कई सौ सालों से चली आ रही है। तो बहुत उल्लास का ये मौसम है, और कजरी जो कि पारंपरिक कजरी है वो मैं आपको जोड़ती हूँ। सावन में कजरी गाई जाती है, और ये बिहार और उत्तर प्रदेश और अपने बुंदेलखंड में विशेष इसकी महत्ता है। और कहते हैं कि मिर्जापुर से ही कजरी का वहाँ पे जन्म हुआ, कजला देवी थी, उनकी उनका जन्मोत्सव मनाया जाता था, तो उनके प्रेयर में, उनके ऑनर में जो है कुछ कजरियों का निर्माण हुआ। लेकिन अपने देश के जो हमारा आंदोलन चल रहा था तो उसमें भी बहुत सारी कजरियों का निर्माण हुआ। तो मैं थोड़ा थोड़ा कजरी के आपको आपको विधाएँ एक एक दो दो लाइन में बताऊँगी। तो पहले मैं आपको सुना रही हूँ एक क्रांतिकारी कजरी, जो कि एक क्रांतिकारी थे, और उनको जो है अंग्रेज़ों ने भेज दिया था रंगून, काला पानी भेज दिया था, और उनको उनकी जो प्रेमिका थी उनकी याद में, और ये जो दाताराम थे इनके पीछे पड़ी हुई थी सेना, तो ये बेचारे मिर्जापुर चले आए, मिर्जापुर से फिर इनको काला पानी भेज दिया गया। तो वो जो गौहर जान थी, जिन्होंने उनकी जो प्रेमिका थी, वियोग में एक कजरी लिखी, तो ये मैं आपको सुना रही हूँ, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले की कजरी है। और ये मिर्जापुर शब्द आया है, लेकिन है ये बनारसी कजरी। के मिर्जापुर कैले गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बले, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बले मुँह, 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 मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बले मुँह। इतना बेहाल हो गया है तो अपना वियोग कैसे बोल रही हैं? पनवा से पातर भैले मोर देहिया, पान से भी पतला उनका शरीर हो गया है वियोग में। पनिया से पातर भैले उनके देनिया, पनिया से पातर भैले मोर अंगिया, देहिया गलेली जैसे नून हो, कचौड़ी गली सुन कैला बले मुँह, देहिया गलेली जैसे नून हो, कचौड़ी गली सुन कैला बले मुँह, कचौड़ी गली सुन कैला बले मुँह। और ये जो है कजरी अपने अवध क्षेत्र में, बिहार में, दोनों जगह गाई जाती हैं। और अब मैं आपको अपने अवध क्षेत्र की प्योर जो धुन है वो मैं आपको सुनाती हूँ। इसको बोलते हैं बिरहा खड़ी कजरी, ठीक है? हाँ, क्यों राधा बिना श्याम तड़पता है, अरे ये मत पूछो इन नैनों से क्यों सावन बरसता है, घनश्याम जहाँ बरसो, जहाँ घनश्याम रहते हैं, अरे आंसू से भीगे हुए नयन दिन रात रहते हैं। मास्टर कजरी की धुन जरा बजावा। सजनी श्याम बिना नित तरसे, सजनी श्याम बिना नित तरसे, ये नजरिया हमारी पूछे उद्धव से ब्रज नारी, पूछे उद्धव से
सजनी श्याम बिना नित तरसे। अब वो उद्धव ने कहा कि देखिए आप भूल जाइए कृष्ण को, किसी और से प्रीत लगा लीजिए। तो कहती है कि उद्धव मन न भाई, रोबत रोबत सांझ बिहनवा कजरा बही बही चाला नयनवा, हाय कजरा बही बही चाला नयनवा, कजरा संहारी के आपने नयनवा, दुख में पातर भय बयनवा, हाँ दुख में मातल भय बदनवा, उनके बिना के सुनिए सखियाँ, उनके बिना के सुनिए सखियाँ, ये कजरिया हमारी सजनी श्याम बिना नित तरसे, सजनी श्याम बिना नित तरसे। मंजू जी, जिस तरीके से सावन के साथ सावन के गीतों का टूट रिश्ता है, तो आज देखा जा रहा है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत पहले क्योंकि इतने मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो कजरी झूला और बहू बेटियां जो है अपने मायके आती थीं। अब क्या है, एक फ़ोन किया, फ़ोन से ही ऑनलाइन सब बातें हो रही थी। कितने भी उन्नत कर लीजिए, लेकिन आपको फिर भी आप अपने रिश्तों को तो जब तक जिएंगे नहीं तब तक आपको जीने का मज़ा ही नहीं आएगा। हम कह रहे आप 5-star होटल में खाना खा लीजिए, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि अरे वो खीर पूड़ी होती तो मज़ा और था। तो इसी तरीके से हमारी जो ये परंपराएं हैं उसको कोई छोड़ नहीं सकता। हाँ, विमुक्त कुछ समय तक हो सकता है, जब उनको पता चलेगा कि अरे जीवन तो इसी में था, तो फिर वो वापस आएंगे। तो वापस आएंगे कैसे, मैं आपको जोड़ती हूँ, झूला पड़ा हुआ है और जब तक झूला पैंग नहीं बढ़ाएंगी तब तक मज़ा कैसे आएगा। बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनी, मेहंदी लगाई, पूरा श्रृंगार किया है, तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री वालों ने बहुत सारी हमारी धुनें लेके और पिक्चरों में बड़ा उन्होंने गाने बना के बड़ा नाम कर लिया। एक गाना बड़ा फेमस हुआ था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये गाना आपने सबने सुना होगा, लेकिन हमारी ये पारंपरिक धुन अवध की है कि नन्ही नन्ही बुंदियाँ सावन का मोरा झूलना, नन्ही नन्ही बुंदियाँ सावन का मोरा झूलना, 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 नन्ही नन्ही हाँ नन्ही नन्ही बुंदियाँ सावन का मोरा झूलना, नन्ही नन्ही बुंदियाँ सावन का मोरा झूलना। और कोई भी बेटी आप ससुराल में चली जाए कि जॉब में है, लेकिन अपना वो मायका जरूर याद आएगा, तो मायका वो छोड़ नहीं सकती, और सावन आया तो उनके रोम रोम में वो बसा है, तो इसलिए सावन और जीवन अलग नहीं हो सकते। कैसे के एक झूला डाला मैंने अम्मा जी के राज में, एक झूला डाला मैंने अम्मा जी के, एक झूला डाला मैंने अम्मा जी के राज में, अम्मा जी के राज में, हाँ बाबा जी के राज में, लम्बी लम्बी पेंगे, अरे लम्बी लम्बी पेंगे सावन का मेरा झूलना, लम्बी लम्बी पेंगे सावन का मेरा झूलना, सावन का मोरा झूलना, सावन का मोरा झूलना, नन्ही नन्ही बुंदियाँ सावन का मोरा झूलना, नन्ही नन्ही बुंदियाँ सावन का मोरा झूलना। जो हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी पारंपरिक संस्कृति है, उसके लिए क्या इन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए जो है नई तकनीकी नई संस्कृति, तो हम भी अपने जो हम लोग जो गायन है, जो हमारी संस्कृति, जो मिट्टी की खुशबू है, हम उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से हम युवाओं से हम जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके उनको जो समझ में आए हैं वो हम उनसे बात करते हैं कि देखिए ऐसे, और कैसे उनको समझ में कैसे आएगा, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा सा उसमें कह सकते हैं कि कुछ परिवर्तन कर देती हूँ जो कि बच्चों को पसंद आए, युवाओं को पसंद आए। तो हम लोग के समय में जो हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, तो अखाड़ों में बहुत सारी कजरी बनाई गई और लिखी गई, तो उसमें एक शायरी कजरी
एक लोक विधा थी कजरी की, एक विधा थी शायरी कजरी। तो शायरी कजरी मैंने जब सुना तो मैंने बहुत खोजा लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैंने उसको अपने से दिमाग लगाया और मुझे लगता है कि आज के युवा वर्ग शायद उसको पसंद करें, तो मैं आपको सुनाती हूँ। अरे मेरा दिल हुआ, आजकल दिल की ज़्यादा बातें चलती है, मोहब्बत की बातें ज़्यादा चलती, तो हमने कजरी को उनके हिसाब से मैंने बना दिया। हो मोरा दिल हुआ, हाँ मेरा दिल हुआ दीवाना मेरे प्यारे बलमू, मेरा दिल हुआ दीवाना मेरे प्यारे बलमू, हो मेरे प्यारे बलमू, हो दुलारे बलमू मेरा दिल, हाय मोरा दिल हुआ दीवाना मेरे प्यारे बलमू, मेरा दिल हुआ दीवाना मेरे प्यारे बलमू। सावन के गीतों से भले ही लोगों ने मुंह मोड़ लिया हो, लेकिन मंजू जी अभी भी इन गीतों को जीवित रखने की कोशिश कर रही हैं। आशीष भट्ट, प्राइम टीवी, प्रयागराज। अलीगढ़ में केला नगर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन के खिलाफ एक विरोध मार्च निकाला। दरअसल कांग्रेस सांसद ने संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर अलीगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिला अलीगढ़ में मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा से हूँ, मधुलकर राघव। आज हम लोगों ने यहाँ जिला अलीगढ़ और महानगर के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन पैदल मार्च निकाल के यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन जी, उन्होंने हमारी नवनियुक्त जो राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके खिलाफ जो अपशब्द कहे हैं, उनके अपमानजनक जो शब्द कहे हैं, उनके खिलाफ समस्त महिला मोर्चा हमारा, समस्त नारी शक्ति उस शब्द के खिलाफ है। नगर की बहनों, महानगर की बहनों ने मिलकर जो हमारे राष्ट्रपति नई नवनियुक्त राष्ट्रपति के लिए जो अपशब्द बोले हैं कांग्रेस के, उन्होंने हम पूरी महिला शक्ति की तरफ से उनसे एक ये कहते हैं कि वो हमारी बहनों के हाँ जो माफ़ी मांगे, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में हमेशा नारियों की सम्मान और उनकी पूजा की गई है। जहाँ नारी सम्मानित होती है वहीं कहते हैं ना देवता भी वास करते हैं, और बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि आज जो कांग्रेस सरकार जो आदिवासियों की ख्याल रखा करती थी, उससे पता चल रहा कि कांग्रेस के मन में क्या है, कितनी आदिवासी बहनों के लिए सम्मान और अपमान। कुशीनगर जनपद के बुद्ध स्नातकोत्तरीय महाविद्यालय में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य 2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी एस राजलिंगम और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जायसवाल ने की। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलन करके किया। भारत की आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव एक पर्व के रूप में मना रही है। सारे विभाग भारत सरकार के राज्य सरकारों के समन्वय में बिठाकर अपने अपने विभाग का एक महोत्सव ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने विद्युत विभाग में बिजली महोत्सव का ऑर्गेनाइज किया। ये 25 जुलाई से 30 जुलाई तक पूरे देश भर में सारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, और आज हमारा पहला प्रोग्राम कुशीनगर में बौद्ध डिग्री कॉलेज में था। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा 30 तारीख को कप्तानगंज में कनोडी इंटर कॉलेज। कुशीनगर जनपद के बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उज्ज्वल भारत भविष्य 2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी एस राजलिंगम और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जायसवाल ने की। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलन करके किया। फरीदाबाद बल्लभगढ़ के मोहना मार्ग से जगदीश कॉलोनी न्यू मार्केट की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे खुले नाले में रोजाना गाड़ियां फंसती रहती हैं, जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, पर क्या करें, कोई सुनता ही नहीं। शिकायत की है कभी? शिकायत वो जो सफाई करने वाले आते हैं ना, उनका जो दरोगा आता है वो खुद देख के जाता है, लेकिन समाधान नहीं करा जाता। समाधान कुछ नहीं हुआ। क्या कोई गाड़ी वगैरह गिरती है कुछ अभी? हाँ, गाड़ी कितनी दफ़ा गिरी है हमें। गिरी है हाँ, फिर पांच पांच सात सात आदमी इकट्ठे होकर निकलवाते हैं।
तो अधिकारी संज्ञान नहीं लेते इस मामले को? कई दफ़ा गाड़ियाँ गिरी हैं, रोज ही गाड़ियाँ गिरती हैं, मैं बता नहीं सकती कितनी बार गाड़ियाँ गिरती हैं। एक दो बार तो कोई जैसे ऑटो से उतरते हैं अचानक से, लोग उनको पता नहीं होता, वो भी गिरे हैं इसमें नाले में। चोट भी आती है? चोट भी आई है काफ़ी बार, लेकिन वही जो भी यहाँ पे गिरता है वो हमें कुछ सुना के चला जाता है कि आपके बाहर है, आप कुछ करते क्यों नहीं। हमने कितनी बार अपनी तरफ से पैसे खर्च करके इसको रिपेयर भी करवाया, लेकिन वही है जब सफाई करने वाले आते हैं वो इसको खोल के और फिर चले जाते हैं। और अगर हम उन्हें कुछ बोलने लग जाते हैं तो कोई तो होता है कि उल्टा बोल देता है कि आप हमें सफाई नहीं करने दे रहे हो, कोई कहता है अच्छा ठीक है मैम इसको ढक देंगे, कई बार ढक के भी गए हैं। पर क्या होता है कि जब गाड़ी इसके ऊपर आती है ना तो जो ये पत्थर है ये उल्टा नाली में ही गिर जाता है। नूपुर रोड पर एसपी सिटी की देखरेख में आनन फानन में एएच टू और बाल श्रम की टीम ने घेराबंदी कर बाल मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। फिलहाल पुलिस ने झारखंड से आए तीन ठेकेदारों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। 26 तारीख में किसी मुखबिर से मिली थी और ये बच्चे झारखंड से, जो सूचना मिली थी उसमें ये था कि ये बच्चे झारखंड से यहाँ पर बिजनौर में लेकर आए जाएंगे और इनको वर्षों में लगा दिया जाएगा। जैसा कि कुछ लोग यहाँ पे किसान वाले लोग रहते हैं तो वो अपने यहाँ पर खेतों में काम करने के लिए बच्चों को बुलवा लेते हैं और उस टेंस में उनको पैसा दे देते हैं, क्योंकि बच्चे की बहुत छोटी उम्र होती है, बच्चे प्रॉपर काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चे फिर बच्चों को मारपीट के घर से निकाल दिया जाता है और फिर ये बच्चे लावारिस अवस्था में इधर उधर घूमते हुए पाए जाते हैं। इससे पहले भी हम लोग कई बच्चे भिजवा चुके हैं परंतु हमें कोई मेन आदमी नहीं मिला था जो ठेकेदारी इनको लेकर आता। कल रात 27 तारीख को एएसटीयू टीम थी और मैं महिला कल्याण विभाग से, संरक्षण अधिकारी और एसपी सिटी सर ने पूरी टीम तैयार की और उनके निर्देशन में इनको ट्रेस किया। कल रात में रेस्क्यू किया इनका 28 तारीख को रात में लगभग 3 बजे के करीब ये लोग ट्रेस हुए, तभी इन बच्चों को खाना वाना खिलवाया। और लगभग 2 बजे के आसपास मुखबिर द्वारा यह सूचना मिली कि नूरपुर की तरफ से एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी आ रही है जिसमें कुछ बच्चे लाए जा रहे हैं जिनसे कि बाल श्रम कराया जाना या उनकी खरीद फरोख्त संबंधी कार्य होना है। इस सूचना पर हमारे एएसटीयू थाने के प्रभारी, बाल संरक्षण अधिकारी, इन सब के नेतृत्व में घेराबंदी की गई तो कृष्णा कॉलेज बिजनौर नूरपुर रोड से इनको पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उसमें 12 अवयस्क बच्चे, 12 वयस्क लोग, 3 झारखंड के इसमें रहने वाले जो कि लेके आ रहे थे, इन सब की गिरफ्तारी की गई। शाहजहाँपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम की तरफ से सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में बादलगंज बाजार में सामाजिक संस्था पेसिफिक हेल्थ केयर ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ दुकानदारों को जागरूक करते हुए पेपर बैग बांटे और प्लास्टिक के युक्त बैग न इस्तेमाल करने की अपील की। और ये देखिए, पॉलीथीन का प्रयोग पूर्ण रूप से बैन है, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग पूर्ण रूप से बैन है। तो उद्देश्य ये था कि एक तो हम लोग रियलिटी चेक करें कि वास्तव में क्या पोजीशन है, कि कितना किस हद तक का बैन लागू हुआ है और लोगों को इसका विकल्प उपलब्ध कराएं। तो अभी कुछ दिन पहले नगर निगम के द्वारा बैग बैंक स्थापित किए गए हैं विभिन्न स्थानों पर, उसी के क्रम में आज हम लोग ये पेपर बैग्स उनको आज निःशुल्क दिया गया, तो उनसे बदले में जो भी पॉलीथीन या प्लास्टिक जो यूज कर रहे हैं वापस लिया गया। इसमें पैसिफिक हेल्थ केयर जो संस्था है हमारे साथ जुड़ी है, आपके द्वारा आज निःशुल्क पेपर बैग्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। आज ये हमारी संस्था है पैसिफिक हेल्थ केयर के नाम से, तो उसके द्वारा हम पेपर बैग्स बनाने का हमने अभी प्लांट लगाया है, तो उसी के तहत आज हमने ये पेपर बैग्स यहाँ पर बहादुरगंज मार्केट में बांटे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट नगर निगम के सहयोग से, जिससे कि लोग अवेयर हो सकें कि पॉलीथीन को यूज़ ना करके पेपर बैग को अधिक से अधिक मात्रा में वो यूज़ करें। तो इसमें नगर निगम का सहयोग रहा और आज हमने करीब यहाँ पर 2000 पेपर बैग्स बांटे हैं। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर देखने को मिला। स्कॉर्पियो ने घर जा रहे पति पत्नी को सामने से टक्कर मार दी, जिसमें पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पति के अस्पताल में इलाज के बाद मौत हो गई। ये पति पत्नी थे, ये अपने यहाँ शहर से गांव सुनफेड़ की तरफ जा रहे थे।
पति इसमें छत्रपाल था और पत्नी रजनी थी। ये अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहे थे तो मलेरना रोड पे एक स्कॉर्पियो गाड़ी है उसके साथ उसका इनका एक्सीडेंट हो गया है जिसमें दोनों एक्सपायर हो गए हैं। बॉडी उनके परिवार वालों को पोस्टमार्टम करवा कर हवाले कर दी है। गाड़ी तेज रफ्तार से बताई जा रही है। हाँ, गाड़ी तेज रफ्तार से थी उसीलिए उसमें उसी उन्हीं धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। संबल में हाथनगर थाना इलाके में गांव लहरा कंबरगर में विवाहित की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक महिला की गंडासे से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। वहीं इस वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के खातिर हत्या का आरोप लगाया है। गोंडा के टिया थोक ब्लॉक में रानीपुर में गौ आश्रय केंद्र में गौवंशों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। सूखा भूसा और गंदा पानी से आए दिन पशुओं की मौत हुआ करती है और स्थानीय अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा उच्च अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है। सच को छुपाने के लिए उच्च अधिकारियों को गलत रिपोर्ट दी जा रही है। मौजूदा गौ आश्रय केंद्र की क्या हालत है यह रिपोर्ट देखिए। गौशाला के बारे में बहुत नुकसान है भैया, इतना नुकसान है आवत हैं तो मरी जात हैं, खाना पीना कुछ है नहीं और खतबा निकल निकल खोल देते हैं चले लेते हैं कुछ पैदा नहीं होते कुछ भैया। अब का करिए, गौशाला के लाने खेती बर्बाद हो गया। कोई गन्ना लाग रहा दो बीघा का चर गया, सारे लोग चर ले गाय वाय। अब का किन जा भैया, बड़ा नुकसान होगा बच्चा। गौशे की ऐसी हालत है कि जो हमारे यहाँ गौ माता मर रही हैं उसकी सब जारी सारी कमियां सब समीम की है। यहाँ की समीम कौन है? समीम के यहाँ के सेक्रेटरी हैं। जहाँ सूबे की सरकार योगी आदित्यनाथ जी का पहला ड्रीम प्रोजेक्ट था गो आश्रय केंद्र सुधारने और बेहतर बनाने के लिए, वहीं आज हम खड़े हैं गोंडा के इटिया थोक ब्लॉक रानीपुर गौ आश्रय केंद्र में। यहाँ की स्थिति इतना दुखद है कि गौवंशों के लिए एक कब्रगाह बन चुका है। यहाँ आज आपको हम दिखाएंगे एक्सक्लूसिव तस्वीर। गोंडा से प्राइम टीवी के लिए खेमराज मिश्रा। जानकारी के लिए संवाददाता हेमराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमराज, आखिर किसकी लापरवाही की वजह से लगातार गौ आश्रय में गौओं की मृत्यु हो रही है? चाहेंगे यहाँ के स्थानीय अधिकारी जो मौके पर जिम्मेदार हैं उन्हीं की वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है। लगातार ये इटिया थोक ब्लॉक के अंतर्गत रानीपुर गोवंश को उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। सूखे भूसे और गंदा पानी पीने से आए दिन पशुओं की मौत होती रहती है। वही ग्रामीणों से बात किया गया तो बताएं कि पूरी व्यवस्था ग्राम पंचायत अधिकारी सचिव के हाथ से चौपट है। मौके पर गोवंश के प्राण निकलने की स्थिति में है। गोवंश की आज कौवे द्वारा नोच नोच कर बुरा हाल कर दिया गया है। स्थानीय अधिकारी कर्मचारी के द्वारा जिले के उच्च अधिकारी कर्मचारी को गुमराह किया जा रहा है। सत्य को छुपाया जा रहा है तो उच्च अधिकारी को गलत रिपोर्ट किया जा रहा है। सत्यता को जिले के सीडीओ व डीएम से दूर रखा जाता है। खबर मीडिया में आने से जब जिले के जिम्मेदार अधिकारी ने इटिया थोक के वीडियो व रानीपुर के ग्राम पंचायत सचिव से पूछताछ किया व निरीक्षण करवाया तो वो बताया कि यह फोटो वीडियो कहीं और का है, बहुत पुराना है। लगातार जिले के उच्च अधिकारियों को गलत रिपोर्ट देते, सच्चाई से अलग रखते हैं। इसमें संबंधित कर्मचारी अधिकारी पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए जिससे दूर हो सीख मिले, लोगों को गौवंश की रक्षा हो सके और योगी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट का पालन हो सके। अधिकारियों को उसकी सूचना मिलने के बाद क्या अधिकारी की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है? जी मैम, बिल्कुल नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और उनको गलत रिपोर्ट दिया जा रहा है कि इसकी ये वीडियो पहले का है, ये खबर पहले का है। क्योंकि मौके पर स्थिति मरने की, पशुओं को ऐसे मर रहे हैं, कौवे नोच रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन वो तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहें या बताएं उसको तो वो आप चाय नहीं पी पाएंगे, आप उसको देख नहीं पाएंगे। इतनी बुरी कंडीशन है कि जिसको कहते हैं अपराध, उसमें पूरा अपराध दिखाई दिया जा रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।